हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग। अर्थ स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रिव्यू, और रिव्यू भी एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि मैं पिछले 6-7 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे पहले बता दूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट है तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों को बताया जाए। कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है प्रिंटर की या स्कैनर की या फोटोकॉपियर की, तो एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में आगे बताऊं। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए चीज़ें लाता रहूं, नए नए वीडियोस बनाता रहूं। और ये बताइए मैं किस तरह के प्रोडक्ट आपके लिए बनाऊं, किस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ताकि आपको और भी ज़्यादा फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मैंने ये लिया था 6 या 7 साल पहले। HP का है, MFP 1136, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसकी खूबी ये है कि ये लेज़र प्रिंटर है, ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पिछले 6-7 साल में इसने कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं दी। मैंने सिर्फ कार्ट्रिज चेंज किए हैं। इसकी कार्ट्रिजेज बता दूं, वो थोड़ी सी महंगी आती हैं, 3-3.5 हज़ार रुपये की आती है, और उसमें वो आप देख सकते हैं अगर आपको इतना यूटिलाइजेशन है। लेकिन एक स्टडी प्रिंटर है, स्कैन भी कर लेता है, प्रिंट आउट भी कर लेता है, फोटोकॉपी भी निकाल देता है। तो और मैं बताऊं इसके बारे में, पहले मैं आपको दिखा दूं चारों तरफ से। पीछे में आपकी पावर कॉर्ड लगी हुई है, एक USB 2 फास्ट पोर्ट है, ये साइड प्रोफाइल और ये फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट में आप फ्लैट बेड स्कैनर है इसका, और अगर आप यहाँ बीच से इसको उठाएंगे ये पार्ट उठ जाता है, और यहाँ पर ही कार्टेज, इस तरह से आप कार्टेज की निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से कार्टेज निकल आई है, और इसी तरह आप लगा भी सकते हैं। तो बहुत ही आसान है कार्टेज का लगाना या निकालना, अपने आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी खूबियाँ भी आपको बता देता हूँ। एक तो पिछले 6-7 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बिना किसी परेशानी के, सिर्फ कार्टेज मैंने चेंज की हैं लगातार। बढ़िया क्रिस्टल क्लियर इसकी छपाई अच्छी है, स्कैनिंग अच्छी कर लेता है, प्रिंट भी अच्छा करता है। ये राउंड में इसका पावर बटन है, यहाँ से ऑन हो जाता है। डिस्प्ले इसका है, थोड़ा सा बाहर निकल आता है, यहाँ से आप इसके कंट्रोल्स कर सकते हैं। मैं इसको एक बार ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। पावर बटन ऑन कीजिए, ऑन हो जाता है, और स्टार्टिंग में यहाँ पर HP का प्रिंट आ जाएगा। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज या ब्लैक एंड वाइट, आपको ज़्यादा डार्क करनी है, लाइट करनी है, सारे कंट्रोल इस डिस्प्ले से हो जाते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी निकालनी है आपको, और यहाँ पर इंडिकेटर है कि अगर कार्टेज इंक टोनर कम हो रहा होगा, वो भी यहाँ से पता लग जाएगा आपको। अगर कोई एरर आ जाएगी, मान लीजिए कभी इसका फिलामेंट फ्यूज़ हो जाए या और कोई एरर आ जाए, तो यहाँ पर एरर आ जाती है, ई जो भी होगा यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उस एरर से आप पता कर सकते हैं किस चीज़ में समस्या आई, कहाँ प्रॉब्लम आ गई। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि नाउ इट इज़ रेडी। अब यहाँ पर 1 लिखा रहा है, अगर मुझे एक कॉपी निकालनी है 1, यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ऊपर का बटन आप प्रेस करेंगे, 2, 3, 4, 5, जितनी कॉपीज आपने निकालनी है यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गई नंबर ऑफ कॉपीज, और राइट वाले बटन को आप एक बार दबाएंगे तो यहाँ पर 0 0, मतलब अगर आप इसको इसका डार्कनेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, फिर आप इंक्रीज और डिक्रीज बटन को दबा के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस बटन से हो जाएगा, और इस बटन राइट बटन को फिर दबाएंगे एक बार, तो यहाँ पर आप इसको एनलार्ज कर सकते हैं, 400 डिग्री तक इसको एनलार्ज कर सकते हैं, या उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो सारे फंक्शंस हैं इसमें, एनलार्जमेंट का, डिक्रीजमेंट का, इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया प्रिंटर। वापस हम कॉपी नंबर ऑफ कॉपीज पे आ गए। ग्रीन मतलब रेडी है, यहां से कैंसिल करने के लिए बटन है, और कॉपी अगर करना है तो आपको ये बटन दबाना। मैं आपको एक कॉपी निकाल के दिखाता हूं। सपोज कीजिए मैंने इस रजिस्टर की कॉपी निकाली है, मैं इसको कुछ नहीं, इसको ऊपर उठाऊंगा, रख दूंगा और इसको बंद कर दूंगा, और कॉपी का बटन दबा दूंगा।
यहाँ पर एक ट्रे होती है, वो टूट गई दवाई, यहाँ पर वो ट्रे लगा के उसके अंदर पेपर आ जाता है। ये देखिए, ये मेरा कॉपी यहाँ पर निकला है, बहुत डार्क निकाला है। इसको आप लाइट कर सकते हैं, इस तरह से कॉपीज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी वो निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और बाकी आप इसके स्पेसिफिकेशंस आपको बताता हूँ, जो खूबियाँ इस प्रिंटर में। इसमें आप प्रिंट, स्कैन, कॉपी तीनों काम कर सकते हैं और नॉर्मल स्पीड इसकी जो है 18 पेजेस पर मिनट, A4 साइज आप 18 पेज एक मिनट में निकाल सकते हैं और 8.5 सेकेंड में रेडी हो जाता है फर्स्ट प्रिंट आउट के लिए। मंथली साइकिल इसका 8,000 पेजेस का है, बहुत ही हैवी ड्यूटी है, लेकिन रिकमेंडेड कंपनी द्वारा है 250 से 2,000 पेज तक। मतलब आप अगर 250 से 2,000 पेज हर महीने निकाल रहे हैं, इसका मतलब किसी छोटे मोटे ऑफिस के लिए या आप घर पे थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहते हैं प्रिंट का, स्कैन का, कॉपी का, तो बहुत ही अच्छा और ड्यूरेबल प्रिंटर है। इसके अलावा इसमें अगर आप स्कैनिंग की बात करेंगे तो 600x600 DPI और प्रिंट रिजोल्यूशन 600x1200, डुअल डिजिट नंबर LED इसमें डिस्प्ले है ही और 400 MHz का प्रोसेसर है इसके अंदर। मोबाइल प्रिंट कंपेटिबिलिटी सपोर्ट नहीं करता है, वायरलेस नहीं है, हाई स्पीड USB 2 पोर्ट है इसमें जो मैंने आपको पहले बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, विस्टा 8, 10 सारे उसके लिए काम करेगा, मैक पे भी काम करेगा। वन GB की रैम, तो एक बहुत ही एफिशिएंट प्रिंटर। और ट्रे में आप इनपुट ट्रे में 150 शीट्स तक रख सकते हैं और आउटपुट ट्रे में 100 शीट्स ये बेयर कर सकता है। मेरा आउटपुट ट्रे यहाँ पे लगता है टूट गया, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ उसमें। और पेपर साइज की बात करें जो मीडिया सपोर्ट करता है, A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ये सारी, और C6 और ISO DL 16K, यूरोपियन पोस्ट कार्ड, जे पोस्ट कार्ड, जे डबल पोस्ट कार्ड, इन सभी को ये सपोर्ट करता है। प्लेन पेपर, एनवलप्स, ट्रांसपेरेंट शीट्स, लेबल्स, कार्ड स्टॉक, पोस्ट कार्ड, इन सभी को सपोर्ट कर देगा और 60 से 163 ग्राम पर स्क्वायर मीटर इस मोटाई के पेपर को सपोर्ट करता है। तो ये तो रही इसकी स्पेसिफिकेशन। और बाकी स्कैनिंग आप कर ही सकते हैं इससे, फाइल फॉर्मेट DPF, PDF, TIF, BMP, GIF, JPG, इन सभी को सपोर्ट करता है। फ्लैट बेड स्कैनर है, स्कैन रेजोल्यूशन 1200 DPI तक है, स्कैन टू ईमेल, स्कैन टू एप्लीकेशन, स्कैन टू फाइल, ये भी इसमें फीचर्स दे रखे हैं। 18 पेज पर मिनट मैंने आपको बता ही दिया। फैक्स इसमें नहीं है, बाकी प्रिंट स्कैन कॉपी है। एनर्जी स्टार रेटिंग है इसकी, 375 वॉट्स पावर कंजम्पशन लेता है ये, और इनपुट वोल्टेज 110 से 127 वोल्ट तक इनपुट है, 220 से 240 इनपुट अगर 60 हर्ट्ज पर। तो दोस्तों ये तो था, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर दे रखा है 10 से 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो था इसका स्पेसिफिकेशंस। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ज़्यादा वेट नहीं है, 7 किलोग्राम वेट है इसका। और अगर रेट की बात करें तो आज की तारीख में HP की वेबसाइट पे 14,500, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट से मंगवाते हैं तो 12,000 या 11,500 के आसपास मिल जाता है। तो एक अच्छा ड्यूरेबल प्रिंटर, स्कैन, कॉपी और मल्टी फंक्शन प्रिंटर है ये। मुझे पूरी उम्मीद है आज का रिव्यू आपके काम आने वाला है। मैंने बताना इसलिए उचित समझा क्योंकि कई बार घरों में आजकल बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए कई बार ज़रूरत पड़ती है प्रिंट की, स्कैन की, कॉपी की, इन सभी चीज़ों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंटर, ड्यूरेबल, हैवी ड्यूटी और लेज़र प्रिंटर। बस ये ध्यान रखिए कि ब्लैक एंड वाइट है, कलर्ड नहीं है। तो सिर्फ अगर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट की ज़रूरत है, या स्कैनिंग कलर्ड हो जाएगी, नो डाउट स्कैनिंग कलर्ड हो जाएगी, लेकिन प्रिंट सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही निकलेगा, कॉपी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही निकलेगा। अगर आपके काम का है तो ज़रूर मंगवा सकते हैं आप। तो ये मेरी रिकमेंडेशन और ये मेरे रिव्यू, और 7 साल मुझे इस्तेमाल करते हो गया तो एक अच्छी चीज़ लगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताते रहिए और मैं क्या लाता रहूँ।
और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।